हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोकैम। पार्ट सिक्स में आपने हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया था, उसमें हमने स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन पढ़ी थी। पार्ट सेवन में हमने थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर एंड रिड्यूसिंग करेक्टर पढ़ा था। अब हम पार्ट एट के अंदर जो रेस्ट प्रॉपर्टी बच गई है वो है बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स, वो हम स्टडी करेंगे। तो हम अब पढ़ रहे हैं जो वो है बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। तो बेसिक करेक्टर कैसे दिखाते हैं पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम अमोनिया ले लेते हैं, हमने अमोनिया लिया। अगर आपको अमोनिया की शेप पता है तो हमने बताई थी इनकी शेप होती है पिरामिडल और यहां पर एक लोन पेयर होता है। आप सिर्फ अमोनिया की ऐसी शेप नहीं होती, जितने भी हाइड्राइड्स इस ग्रुप के अंदर होते हैं सबकी शेप यही होती है पिरामिडल और ऑल आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ गया एच प्लस। अब एच प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी उन्होंने दे दिया और एच प्लस हो गया। ये पूरा का पूरा इसको दे देगा। अब इसको दे देगा तो कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए बीच में, क्योंकि डोनर सिर्फ एक है और बॉन्ड दोनों के बीच में बनेगा। कैसा बॉन्ड होता है ये? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जिसमें एक ही डोनर होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से आते हैं लेकिन बॉन्ड दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो अब ये क्या बन गया इनके मिलने से, NH3 और एच प्लस के मिलने से ये बन गया NH4+। और इस आयन का नाम क्या होता है? अमोनियम आयन। अब हम बात कर रहे हैं जो NH4+ बना है, अब जो इसने डोनेट किया इसे, इसने तो किया एक्सेप्ट और इसने किया डोनेट। और आपका एक डेफिनेशन आई थी जो होती है लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है? वो जो अपना डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है? लुईस बेस। जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड। तो यहाँ पे ये तो लुईस बेस हो गया क्योंकि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, इसलिए ये क्या हो गया? लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड है और हमारा अमोनिया क्या होगा? लुईस बेस हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, हमने अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स लिख दिए, ये भी लिख दिया, अर्सेन भी लिख दिया, स्टीबिन भी लिख दिया और बिस्मथीन भी लिख दिया। और अब आपसे पूछा जाता है इनमें से सबसे अच्छा लुईस बेस कौन सा है। सबके पास एक एक लोन पेयर है, तो सबके पास एक एक लोन पेयर भी है, ठीक है। हमने इसका भी लिख दिया, इसका भी एक लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर है। लोन पेयर तो सबके पास एक ही है ना, तो फर्क क्या है? जब कभी ऐसा आए और आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या हो, तो आप पहले जो चीज है कॉमन वो हटा दो। देखो यहां पर ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और पूरे में हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। अब बचा कौन? नाइट्रोजन। और ये लोन पेयर है। अब जो बेसिक करेक्टर वो किसकी वजह से है? इस लोन पेयर की वजह से। अब सीधा सीधा मुझे एक बात बताओ, सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, सब डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। कौन अच्छा डोनर माना जाएगा? वो अच्छा डोनर माना जाएगा जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो खींचाता नहीं कर रहा है या जो ज्यादा रिक्वेस्ट लगानी पड़ रही है उसके आगे। तो इसका मतलब वो फोर्सफुली कर रहा है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहा। तो ऐसा डोनर कैसा कहा जाएगा? अच्छा तो नहीं कहा जाएगा ना। तो इस वजह से वो डोनर अच्छा होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। तो अब आपके हिसाब से इसमें से आसानी से कौन देगा? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए उसके लिए आप समझो, सबके पास एक ही लोन पेयर है लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है और इसका साइज बहुत बड़ा है। लोन पेयर तो दोनों के पास बराबर ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम क्या आया? डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी? ऑफकोर्स इसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। एक तो इतना साइज है, एक तो छोटा सा इतना साइज है, उसके ऊपर एक लोन पेयर है और इतना इतना बड़ा साइज है, उसके ऊपर पूरा वो लोन पेयर बिखरा हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना, कौन जल्दी आसानी से दे सकता है? देने वाला भी, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इसके पास ज्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? लेस। अभी भी नहीं समझ में आया, उनके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। पांच घर है हमारे पास, ठीक है।
पांच फैमिली एक तरीके से, उस पांच फैमिली में ये जो फैमिली है ये दो मेंबर की है, ये तीन मेंबर की, ये चार मेंबर की, ये पांच मेंबर की और छह मेंबर की फैमिली है, क्योंकि हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, हमने फैमिली का साइज या नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा दिए। तो ये जो दो मेंबर वाला है इनकी जो इनकम है वो भी 10,000 है, इनकी भी 10,000 है, क्योंकि लोन पेयर सेम है, तो इसका मतलब इनकम इनकी भी 10,000 है, इनकी भी और इनकी भी और इनकी भी, इसका मतलब सबके पास सेम है इनकम। लेकिन इनका साइज क्या है, छोटा फैमिली का, टू मेंबर्स की फैमिली है, इनका साइज क्या हो गया, सिक्स मेंबर की फैमिली है। तो आपके हिसाब से अगर आपको उधार चाहिए तो कौन सी फैमिली के पास जाओगे और उधार सही मिल जाएगा आपको, क्योंकि कमाई सबके पास बराबर ही है, लेकिन इसमें खर्चे ज्यादा होने वाले ना, क्योंकि बड़ा साइज है, हर एक मेंबर को थोड़ा थोड़ा मिलेगा। यहाँ पर क्या है, सिर्फ दो ही मेंबर है, दो मेंबर है, खर्चा कम होगा, तो इनका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इजीली डोनेट कर सकता है। इसका मतलब जो अमोनिया होगा, अमोनिया एक बहुत अच्छा लुईस बेस होता है, तो इसका मतलब अमोनिया सबसे अच्छा होगा, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे डिक्रीज होता जाएगा। तो समझ में आ गया क्यों लुईस बेस अच्छा क्यों है अमोनिया, क्योंकि इसके पास साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है इसकी, ज्यादा, तो ये बहुत अच्छा डोनर होता है, और डोनर अच्छा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर गुड, तो ये लुईस बेस भी क्या होगा, इनमें गुड होगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या है, लेस, तो ये डोनर अच्छा नहीं है, और डोनर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये लुईस बेस भी अच्छा नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, दैट इज रिएक्शन विद या रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अब जैसा कि आपको पता होगा, जब भी हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या बनने वाले हैं, हमारे ऑक्साइड्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स जो होंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, एक प्लस थ्री वाले और एक प्लस फाइव वाले, प्लस थ्री और प्लस फाइव दो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है इसकी पॉजिटिव। जो नाइट्रोजन है, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन जो है वो प्लस वन से लेके प्लस फाइव तक सारे बनाता है। ये मैंने जो बोला है ये किसके लिए बोला है, सब मेंबर्स के लिए, इसका मतलब ये सब पे फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब प्लस थ्री भी बनाता है, प्लस फाइव नाइट्रोजन भी बनाता है, फॉस्फोरस भी बनाएगा, आर्सिन भी बनाएगा, एंटीमनी भी, बिस्मुथ भी बनाएगा। लेकिन मैं ये कह रही हूं ओनली नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि नाइट्रोजन जो है सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ऑक्साइड्स की, प्लस वन से लेके प्लस फाइव में। जैसे प्लस वन से मान लो ये प्लस वन है, हमें इसका फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला लिखना आता होगा आप सबको, नाइट्रोजन अगर प्लस वन है, ऑक्सीजन अगर माइनस टू है, दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, N2O। हम दूसरा वाला फॉर्मूला निकालते हैं इसका प्लस टू के लिए, दोनों बराबर हैं, बराबर होते हैं तो हम कोई चेंज नहीं करते, तो ये बन गया हमारा NO। इसी तरीके से हम अगला करेंगे, ये प्लस थ्री है, ये माइनस टू है, दोनों बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये बन जाएगा N2O3। इसी तरीके से हम N2O4 और N2O5। तो ये सारे के सारे ऑक्साइड इसके पॉसिबल है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि इतने सारे जो ऑक्साइड बनाता है प्लस वन से प्लस फाइव तक, ऐसा नाइट्रोजन किस तरीके से कर पाता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक बात बोलनी है कि जो नाइट्रोजन है ना, उसका एक तो साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अब साइज छोटा होगा, पहली बात इसमें साइज छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से इसकी साइज स्मॉल है, इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इसका रीजन जो है मेन, वो रीजन है कि ये पी पाई बॉन्डिंग बना देता है। एक बार पहले भी आया था ऐसा कुछ, पी पाई बॉन्डिंग बना देता है। तो मेन रीजन आपका इसमें ये है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्डिंग बना सकता है। एक बार पहले भी बताया था मैंने, नाइट्रोजन 7 होता है, आप लिखोगे 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4, दोनों के पास कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, तो वो आराम से इजीली पी पाई बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड बना पा रहा है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, इतने सारे ऑक्साइड्स इतने सारे कैसे बना लेता है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर बना तो लिए, अब इनका हम एसिडिक स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ की आप दो चीजें याद रख लीजिए एक तरीके से। एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी ऑक्साइड की आप बात कर रहे हैं तो दो फैक्टर याद रखना हमेशा, एक ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ेगा, सेंट्रल मेटल की बात हो रही है, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब आप इसको देख के बता सकते हैं, सबके सबसे इसका ऑक्सीजन तो सबके अंदर सेम ही है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें प्लस वन है, इसमें प्लस टू, इसमें प्लस थ्री, इसमें प्लस फोर, इसमें प्लस फाइव है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और मैंने क्या बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज सो एसिडिक स्ट्रेंथ विल ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, N2O5। ठीक है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। जो दूसरा पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे बढ़ेगी, जितनी ज्यादा सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रहा था तब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब इसका एग्जांपल हम कैसे देखेंगे, हम प्लस थ्री और प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स लिख के देखते हैं। तो हमने लिखा, मान लो अब एसिडिक स्ट्रेंथ वाले हम ऑर्डर लिखना चाह रहे हैं, तो पहले हम प्लस थ्री वाले लिख लेते हैं। तो प्लस थ्री में अब बताओ आप क्या फॉर्मूला होना चाहिए। नाइट्रोजन का तो आपको पता है, नाइट्रोजन क्या बनाता है, N2O3। हाँ, बस आपने इतना ध्यान रखना है बाकी और जो मेंबर्स होते हैं वो मोनोमर की तरह काम नहीं करते। जैसे यहाँ पे तो मोनोमर है ना N2O3, जो दूसरे एलिमेंट है वो डाइमर एग्जिस्ट करते हैं। तो डाइमर मतलब दो यूनिट मिला दो, तो फॉस्फोरस दो यूनिट मिलाओगे तो P4O6 हो जाएगा। इसको डबल कर दिया ना हमने, दो यूनिट का मतलब क्या था, इसको डबल कर दो, दो दुनी चार, तीन दुनी छह, तो P4O6, आर्सेनिक 4O6, SB4O6 एंड सो ऑन। तो अगर हम ये बात करें कि इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। गॉट इट? तो अब आप बता सकते हो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं नीचे तो साइज क्या होता जाता है, बड़ा। और साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, उसकी रिवर्स होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एसिडिक स्ट्रेंथ भी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। तो इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये सबसे ज्यादा लीस्ट एसिडिक होगा। अब हम इसी तरीके से हम प्लस फाइव वाले एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। प्लस फाइव वाले भी हम लिख सकते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए हमने लिखा N2O5, इसके लिए लिखेंगे P4O10। आर्सेनिक के लिए भी, क्योंकि डाइमर की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये डाइमर है, ये सिंगल यूनिट है। अब बात कर रहे हैं कि इसके अंदर भी आपका सेम रूल फॉलो होगा, क्योंकि हमने दो ही चीज बताई थी, या तो ऑक्सीडेशन नंबर देख लो आप या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो। अब मैंने बोला कि प्लस थ्री तो फिक्स कर दिया ना इनके लिए, ये सारे के सारे प्लस थ्री में ही है, तो ये वाले फैक्टर तो कैंसिल हो गया, बचा एक ही फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे भी प्लस फाइव फिक्स कर दी तो ऑक्सीडेशन नंबर कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, नाइट्रोजन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन वाले ऑक्साइड की। इसका मतलब N2O5 इज द मोस्ट एसिडिक वन एंड इट इज द लीस्ट एसिडिक। ठीक है, तो अगर हम फैक्ट भी देख लें तो आपको बता देती हूँ अंदाजा। एक तरीके से अगर बिस्मुथ वाला और लिख देते हम, बिस्मुथ जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। अब आप समझ सकते हो, देखो ये एसिडिक है, ये एसिडिक मिलेगा, आगे एम्फोटेरिक शुरू हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो एसिडिक करेक्टर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, थैंक यू।